नमस्कार किसान भाइयों, कृषि फाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूँ राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। किसान आसानी से बना सकेंगे क्लस्टर, मिलेगा 10 लाख तक अनुदान। डेयरी फार्मिंग और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 24 लाख तक का लोन। पराली ना जलाने पर किसानों को मिलेगा बोनस। संरक्षित और आधुनिक तकनीक से खेती करने 50 लाख तक की मिलेगी सब्सिडी। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए एक अहम फैसला लिया है। इसके तहत किसान अब आसानी से जिलों में क्लस्टर बना सकेंगे। प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी जिलों के लिए कृषि उत्पाद भी तय कर दिए हैं। जिले के चिन्हित उत्पाद पर 50 से 100 हेक्टेयर का क्लस्टर बनाने पर 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा ये शर्त रखी गई है कि किसानों को कुल कृषि उत्पाद का 30% हिस्सा निर्यात करना होगा। इसमें फल, सब्जी, खाद्यान्न, औषधीय पौधों से उत्पादन, अन्य फसलें, जैविक उत्पादों आदि को रखा गया है। अमरूद का क्लस्टर बनाने के लिए कौशाम्बी, प्रयागराज, कानपुर नगर, बदायूं, फरुखाबाद, कासगंज, अलीगढ़, एटा, हाथरस, मुरादाबाद, रामपुर, उन्नाव, संभल आदि जिलों को शामिल किया गया है। इसी तरह आम, केले, आलू, आंवला, करेला, हरी मिर्च, पत्तेदार सब्जियां, भिंडी, लौकी, हरी मटर, परवल, टमाटर के लिए क्लस्टर बनाने के लिए अलग अलग जिलों को शामिल किया गया है। आप जानकारी नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के जरिए दूध गंगा योजना चला रही है। इस योजना के तहत डेयरी फार्मिंग और उससे जुड़े क्षेत्रों को व्यवसाय शुरू करने के लिए सब्सिडी पर 24 लाख तक का लोन दिया जाता है। योजना के तहत 5 से 20 बछिया पालन के लिए 4.80 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। वहीं दुधारू गायों की इकाई के जुड़ी वर्मी कंपोस्ट इकाई के लिए 20,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। 2 से 10 दुधारू पशुओं के लिए 5 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। निजी पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल और स्थायी इकाई पर 2.40 और 1.80 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। मिल्को टेस्टर, बड़े दूध कूलर इकाई, दूध दोहने की मशीन के लिए 18 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। दूध उत्पादों की ढुलाई और कोल्ड चैन सुविधा के लिए 24 लाख का लोन दिया जाएगा। दूध से देशी उत्पाद बनाने वाली इकाइयों के लिए 12 लाख रुपए तक का लोन और दूध उत्पाद बेचने के लिए बूथ स्थापना के लिए 0.56 लाख का लोन प्रदान किया जाएगा। वेबसाइट hpagrisenate.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली और पंजाब सरकार किसानों को पराली ना जलाने पर 2500 रुपए प्रति एकड़ नगद प्रोत्साहन राशि देने की योजना बना रही है। इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है। इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार से इसमें लगने वाली लागत को साझा करने का अनुरोध किया गया है। सरकार के द्वारा ये योजना बनाई गई है कि केंद्र लागत का 50% वहन करे और पंजाब और दिल्ली सरकारें 25-25% राशि वहन करेंगी। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इसे पंजाब और कैबिनेट में लाया जाएगा। दरअसल पंजाब और हरियाणा में किसानों के द्वारा धान की पराली जलाने की वजह से दिल्ली में अक्टूबर और नवंबर माह में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक बढ़ जाता है। यही कारण है कि प्रोत्साहन योजना बनाई जा रही है। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के बाद पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने 2019 में छोटे और सीमांत किसानों के लिए 2500 रुपए प्रति एकड़ बोनस देने की घोषणा की थी। हरियाणा सरकार किसानों को संरक्षित खेती के लिए 10 लाख से लेकर 50 लाख तक का अनुदान दे रही है। इच्छुक किसान ग्रीन हाउस, प्लास्टिक लो टनल, नवीनतम तकनीक से लैस पॉलीहाउस, प्लास्टिक मल्चिंग, ड्रिप सिंचाई, नेट हाउस, हाई टनल, एरोपोनिक और हाइड्रोपोनिक आदि तकनीकों से खेती करने के लिए सब्सिडी ले सकते हैं। योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। इन तकनीकों से खेती करके 4 से 5 गुना तक उपज बढ़ जाती है।
आप hotinet.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इन तकनीकों से संरक्षित खेती करके किसान फसल की मांग के अनुसार वातावरण तैयार कर सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। संरक्षित खेती करने से फसल पर धूप छांव, गर्मी, ठंडक, यहां तक कि प्राकृतिक आपदाओं का ज्यादा असर नहीं पड़ता है। तो किसान भाइयों, हमारा ये बुलेटिन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कृषि फाई के साथ। धन्यवाद।